हेलो एवरीवन, यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए, रिजल्ट नहीं आने के पीछे कुछ वजह है। तो सबसे पहले अगर हम वो वजह को जान लेते हैं ना कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझसे ये पता चला कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो सारी बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे अब तक रिजल्ट आया क्यों नहीं है, रिजल्ट कब तक आएगा, दूसरी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूपी 10वीं और 12वीं का परिणाम आखिर नतीजे जारी करने में बोर्ड को क्यों लग रहा है, यानी कि इतना समय। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात अगर ये समय पता लगा ले कि क्यों लग रहा है इतना समय, तो हमारा सारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आदेशानुसार जुलाई के पहले सप्ताह में ही परिणाम जारी कर लिया गया था, यानी इनके अनुसार, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना लेट हो रहा, होने के पीछे एक वजह है कि न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने बोर्ड को 31 जुलाई 2021 तक 12वीं के परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। हालांकि 26 जुलाई तक यूपी बोर्ड ने परिणाम जारी करने की तिथि का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ऐलान नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अब तक उसका परिणाम जारी करने का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखी गई कि 31 जुलाई तक जो न्यायमूर्ति ने आदेश दिया था कि इतने तारीख तक जारी कर देनी है, लेकिन दोस्तों लेट होने का एक पीछे वजह है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी वजह लिखी है कि परिणाम जारी करने में इस वजह से हो रही है देरी। प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के संबंध में प्रत्येक कार्य के लिए शासनादेश जारी होता है हर एक साल, जैसे कि शासन का आदेश होता है ना, कि जिसका वहाँ पर गवर्नमेंट होता है उसका आदेश होता है। हालांकि बिना परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है कि आप जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दे। वही सोशल मीडिया के अनुसार उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में ही परिणाम जारी कर लिया गया था, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके परिणाम जारी हो गए हैं, लेकिन शासन स्तर पर निर्णय और कागजी औपचारिक पूरी करने होने की वजह से अभी तक परिणाम जारी नहीं, जो तारीख का जो है ऐलान नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इस बार रिजल्ट दिया जा रहा है वो बिना आपके एग्जामिनेशन के दिए जा रहे हैं, और बिना एग्जाम का रिजल्ट दिए जाने में उसके फैसले होते हैं गवर्नमेंट के, वहां के जैसे यूपी गवर्नमेंट के फैसले होंगे कि हाँ आप जो है वो अब रिजल्ट को जो है जारी कर दिया जाए। और इस बार रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा रीचेकिंग किया जा रहा, अगर रिजल्ट को रीचेकिंग नहीं किया जाता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर कम कम भरा जाएगा या कम कम दिया जाएगा, तो सरकार पे सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बोले एक तो एग्जाम नहीं लिया गया, दूसरा नंबर कम आ जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट को। इसलिए इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा दोस्तों, 31 जुलाई से पहले आपके रिजल्ट कन्फर्म जारी कर दिए जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 29 से 30 तक ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 29 या 30 तारीख को आपके, यानी कल से परसों तक आपका रिजल्ट जो देखने को मिल जाएगा आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन 31 तो डेडलाइन है, 31 को तो कंफर्म आ ही जाएगा, क्योंकि 31 से पहले तो कंफर्म जारी कर दी जाएगी, हालांकि ये डेट 31 भी हो सकती है। तो आप 3 दिन और इंतजार करिए, आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ज्यादा फटकने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।